नमस्कार, आपका स्वागत है आईटीपी न्यूज में। दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुक्रवार को नए सिरे से हो रहा है। इसी बीच दिल्ली नगर निगम सदन की शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सरावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी में भ्रष्टाचार के कारण उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। दिल्ली नगर निगम की बुधवार और वीरवार को 15 बार स्थगित हुई बैठक स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए शुक्रवार को फिर से शुरू होगी। आपको बता दें कि आज स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हुए हैं और बीजेपी के 3 उम्मीदवार हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों में से किसी एक के उम्मीदवार की हार तय है। इसी को लेकर दोनों दल एक एक वोट के लिए लड़ रहे हैं। चर्चा पहले ये चल रही थी कि उसके दावे से एक वोट कम मिला था, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि वो पवन का ही था। अकेले पवन के बीजेपी ज्वाइन करने से समीकरण बदल गए हैं। दरअसल एमसीटी स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं, जिसमें 6 का चुनाव पहले चरण में होता है, जिसके लिए बवाल चल रहा है, जबकि 12 चुनाव दूसरे चरण में होता है। एक एक जोन में एक एक मेंबर चुन के आता है। पहले जब चुनाव हुए थे तब आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे थी, पर बीजेपी 4। लेकिन एलजी ने जब 3 जोन के अंदर 10 पार्षद मनोनीत के बाद सब बदला हुआ है। एमसीडी एक्ट के अनुसार एक प्रत्याशी को 35 वोट मिलने के बाद वह निर्वाचित हो जाएगा। ऐसे में अगर बीजेपी को अपने तीनों कैंडिडेट को जिताने है तो उसे 105 वोटों की जरूरत थी। अभी उसके 104 पार्षद थे, लेकिन सरावत की पार्टी में शामिल होने के बाद उनके पार्षदों की संख्या 105 हो गई है। यानी मौजूदा गणित के तहत बीजेपी के तीनों सदस्य चुनाव ही जी जाएंगे। वहीं आपके भी 3 सदस्य जीत तो जाएंगे, लेकिन चौथे कैंडिडेट की जीत के लिए उसे 6 वोटों की जरूरत है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत।